फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सीयूईटी के आंसर कीज आने के बाद जो सबसे बड़ा इंतजार रहेगा सीयूईटी के रिजल्ट्स को लेकर रहेगा, और इसको लेके भी जो यूजीसी के चेयरमैन हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है एक इंटरव्यू के अंदर। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी ये चीज ट्वीट करी है कि एनटीए इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस सीयूईटी यूजी रिजल्ट बाय 15th of September और इफ पॉसिबल इवन अ कपल ऑफ डेज अर्लियर। ऑल द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी में कीप देयर वेब पोर्टल्स रेडी टू स्टार्ट द यूजी एडमिशन प्रोसेस बेस्ड ऑन CUT UG स्कोर। अब इसमें आप लोगों को एक चीज बस समझनी है एडमिशन पोर्टल की क्या चीज होती है, कि आप लोगों का CUT का स्कोर आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जिस डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो वहां पे आप लोगों को उनकी वेबसाइट को रेगुलरली गो थ्रू करना है और उनके एडमिशन पोर्टल के साथ जुड़ जाना है। जब तक आप लोग एडमिशन पोर्टल के साथ नहीं जुड़ेंगे समझ लो सब कुछ वेस्ट है। CUT से सिर्फ आप लोगों को एक स्कोर मिलने वाला है और उस स्कोर के बाद जब आप लोगों को एडमिशन के लिए जाना है तो उसके लिए आपको उनके पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। चाहे आप बनारसीदास हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, यू हैव टू रजिस्टर ऑन देयर पोर्टल और वहां पे आपको अपना CUT का जो रोल नंबर है, स्कोर है, ये सब मेंशन करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आप उनकी काउंसलिंग पार्टिसिपेशन करेंगे और आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। और उस चीज के लिए पोर्टल को रेडी करने के लिए इंस्ट्रक्शंस अब मिल जाएंगे यूनिवर्सिटीज को। तो जहां तक है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल भी विद इन अ वीक ओपन हो जाएगा। और विद इन अ वीक की क्या बात करें, अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू सोर्सेस 12th of September लास्ट डेट बोली गई थी कि यार अभी आप लोगों का जो है पोर्टल आ सकता है 12th of September तक, और कहीं कहीं पे 9 तारीख भी मेंशन था। अब देखना ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल कब ओपन होता है, और कुल मिला के बात यह है कि 15th of September से पहले पहले आप लोगों का रिजल्ट आउट हो जाएगा। पोर्टल पे आप लोगों को नजर बना के रखनी है, जो भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उनके ऊपर बस अपनी नजर टिका के रखिए। सो CUT के और भी ज्यादा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और एडमिशन प्रोसेस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत सारे अपडेट्स अभी आप लोगों के लिए आना बाकी है। थैंक यू सो मच।